वीडियो में हम बात करेंगे रिलेशन या फिर टेबल बेस्ड एमसीक्यू पर। तो सबसे पहला एमसीक्यू है, अ रिलेशनल डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ ए कलेक्शन ऑफ। तो फर्स्ट है टेबल्स, सेकंड फील्ड रिकॉर्ड या की। तो आपको पहले भी बताया है कि जो एंटिटी है ईआर डायग्राम में, जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं तो वो कहलाती है रिलेशन या फिर टेबल। ठीक है, तो इसको क्या कह सकते हैं, रिलेशन या टेबल। तो ये कलेक्शन हो गई किसकी, रिलेशन की या फिर टेबल्स की। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या है, टेबल्स। तो रिलेशनल डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ टेबल्स, तो करेक्ट आंसर है ए। फिर सेकंड है, ए डैश इन अ टेबल रिप्रेजेंट अ रिलेशनशिप अमंग सेट ऑफ वैल्यू। तो टेबल के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो रिलेशनशिप दिखाता है सेट ऑफ वैल्यूज़ के बीच में। तो हमारे पास अब देख, जैसे हमने देखा था, हमने टेबल्स पढ़े थे, ठीक है ना। तो टेबल्स में जैसे अगर स्टूडेंट है, स्टूडेंट का टेबल है, तो स्टूडेंट आईडी है, उसका नेम है और क्लास है, ठीक है जी बात। तो इसने कहा कि जो टेबल के अंदर है रिलेशनशिप क्या होगा सेट ऑफ़ वैल्यूज़ में। अब सेट ऑफ़ वैल्यूज़ का मतलब है, मान लो ये आईडी वन है, नेम एक्स है, क्लास टेंथ है, ठीक है। तो एक वैल्यू ये है, दूसरी वैल्यू ये है और तीसरी वैल्यू ये है। तो ये सेट ऑफ वैल्यूज़ आपके पास हो गई, ठीक है ना बात। तो अब यहाँ पर ऑप्शन में लिखा है कॉलम, की, रो और एंट्री। तो ये जो पूरी ऐसे रो वाइज लाइन होती है ना, इसको हम कहते हैं रिकॉर्ड, टपल या फिर रो, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, रो, ठीक है जी बात। तो इसका आंसर क्या हो गया, रो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो नेक्स्ट में लिखा है द टर्म डैश इज यूज्ड टू रेफर टू अ रो एट्रीब्यूट टपल फील्ड इंस्टांस। तो एट्रीब्यूट तो हमें पता है, जो ये टेबल की हेडिंग में लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है, इन्हीं को कहते हैं एट्रीब्यूट और इन्हीं को हम कहते हैं कॉलम्स, ठीक है ना। ये जो लाइनें लिखी हुई हैं, ये वाली और ये वाली, इन्हीं को हम एट्रीब्यूट कहते हैं और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, कॉलम। तो उसने पूछा है रो, ये हमारे पास रो है, तो अभी पढ़ा ना हमने, इसको हम रिकॉर्ड टपल भी कहते हैं, ठीक है बात। और तो ये ऑप्शन में क्या है, टपल। तो रो को क्या कहते हैं, टपल। और फील्ड का मतलब क्या होता है, ये जो हमारे पास है ना एट्रीब्यूट या कॉलम, ये तीन नाम हो गए इसके, कॉलम भी इसी को कहते हैं, एट्रीब्यूट भी इसी को कहते हैं और फील्ड, ठीक है बात। तीन, ये जो रो है इसके भी तीन नाम हो गए, रिकॉर्ड टपल रो, और ये जो कॉलम है इसके भी तीन नाम हो गए, कॉलम, एट्रीब्यूट या फिर फील्ड, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। और बात आती है इंस्टांस की। इंस्टांस का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम में ना, मान लो इस डेटाबेस में तीन रिकॉर्ड हैं एक टाइम पे, y, z, क्लास टेंथ ये सब की, ठीक है ना, कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे इस डेटाबेस में तीन रिकॉर्ड हैं। तो ये जो किसी पर्टिकुलर टाइम पर हम वैल्यू बात करते हैं डेटाबेस में कितने रिकॉर्ड है, वो कहलाता है इंस्टांस, ठीक है। इसमें रिकॉर्ड कम भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, दस भी हो सकते हैं। तो किसी पर्टिकुलर टाइम की बात करें ना, तो उस पर्टिकुलर टाइम में जो वैल्यू होगी डेटाबेस के टेबल के अंदर, वो कहलाता है इंस्टांस। लेकिन अभी इसका आंसर क्या हुआ है, टपल, क्योंकि रो को हम क्या कहते हैं, टपल, रिकॉर्ड। उसके बाद नेक्स्ट है द टर्म एट्रीब्यूट रेफर टू ए डैश ऑफ ए टेबल। तो जो एट्रीब्यूट है उसी को क्या कह सकते हैं, रिकॉर्ड, कॉलम, टपल या की। तो आंसर क्या आ जाएगा, कॉलम, क्योंकि तीन नाम आ गए थे इसके, कॉलम, एट्रीब्यूट या फील्ड। यहाँ पर ऑप्शन में क्या आ जाएगा, कॉलम, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उसने लिखा है फॉर ईच एट्रीब्यूट ऑफ ए रिलेशन
रिलेशन के हर एक एट्रीब्यूट के लिए देयर इज ए सेट ऑफ प्रिमिटेड वैल्यूज कॉल्ड द डैश ऑफ दैट एट्रीब्यूट, डोमेन, रिलेशन, सेट या स्कीमा। तो हमने पढ़ा था जो सेट ऑफ पॉसिबल कह सकते हैं उसको, या फिर यहाँ पे लिखा है परमिटेड वैल्यूज को क्या कहा जाता है, डोमेन। ठीक है ना, किसी एट्रीब्यूट के लिए सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू या परमिटेड वैल्यूज को क्या कहता है, डोमेन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डोमेन। अगला क्वेश्चन है डेटाबेस डैश विच इज द लॉजिकल डिजाइन ऑफ द डेटाबेस एंड द डेटाबेस डैश विच इज ए स्नैपशॉट ऑफ द डेटा इन द डेटाबेस एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो ऑप्शन में इंस्टांस, स्कीमा, रिलेशन, डोमेन, स्कीमा, इंस्टांस। तो जो लॉजिकल डिजाइन है ना डेटाबेस का, उसको हम क्या कहते हैं, स्कीमा। क्या कहते हैं, स्कीमा, ये लॉजिकल डिजाइन। क्योंकि हमने पढ़ा था ना हेडिंग, मान लो ये स्टूडेंट है, इसके साथ ऐसे आ जाए ना स्टूडेंट आईडी, नेम या फिर क्लास, तो ये क्या कहलाता है, स्कीमा। यही है लॉजिकल डिजाइन, ठीक है ना। तो इसको क्या कहते हैं, स्कीमा। और यहाँ पर ऑप्शन में सबसे पहले स्कीमा कहाँ है, यहाँ, ठीक है बात। और दूसरा डैश में क्या आ जाएगा, इंस्टांस। तो अभी हमने बात की थी कि ये स्नैपशॉट है डेटाबेस का किसी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इंस्टांस। आ गई ना बात समझ में। ये यहाँ पर दिया हुआ था ऑप्शन में इंस्टांस, तो हमने बात की थी, तो किसी पर्टिकुलर टाइम में डेटाबेस टेबल के अंदर वैल्यू को कहते हैं इंस्टांस। तो ऑप्शन क्या आ गया, लॉजिकल डिज़ाइन आ गया, स्कीमा, और एक पर्टिकुलर टाइम पे स्नैपशॉट डेटाबेस का क्या आ गया, इंस्टांस। तो आंसर आ गया डी। अब यहाँ पे लिखा है एक नाम है कोर्स, ब्रैकेट में लिखा है कोर्स आईडी, कॉमा सेक्शन आईडी, कॉमा सेमेस्टर। तो उसने पूछा है हेयर द कोर्स आईडी, सेक्शन आईडी एंड सेमेस्टर आर डैश एंड कोर्स इज डैश। तो हमें पता है जो ये तो बाहर होता है ये रिलेशन या टेबल का नाम होता है, और अंदर क्या होते हैं, एट्रीब्यूट। तो ये सारे क्या हो गए, एट्रीब्यूट, और ये क्या आ गया, रिलेशन या फिर टेबल। ऑप्शन में देख लेते क्या है, फर्स्ट में एट्रीब्यूट दिए हुए थे ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि पहले जो दिए गए थे एट्रीब्यूट लिखे गए थे, तो पहले एट्रीब्यूट आएगा, बाद में रिलेशन लिखा हुआ है तो बाद में रिलेशन आएगा। तो आंसर पहले एट्रीब्यूट होगा फिर रिलेशन होगा, तो क्या बन जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो रिलेशन भी लिखा है और एट्रीब्यूट भी लिखा है, लेकिन पहले जो पूछी गई चीज़ है वो एट्रीब्यूट है और बाद में पूछी गई चीज़ है रिलेशन है। तो आंसर क्या बनना चाहिए, एट्रीब्यूट रिलेशन, ना कि रिलेशन एट्रीब्यूट। ये चीज़ भी एग्ज़ाम में ध्यान देने वाली होती है कि हमें ये तो पता होता है अभी किस चीज़ को क्या कहते हैं, लेकिन उसका ऑर्डर भी मैटर करता है कि पहले क्या पूछा है, तो पहले आंसर के हिसाब से वही चीज़ होनी चाहिए, और क्या बाद में क्या पूछा है आंसर के हिसाब से बाद में वही चीज़ आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा है फील्ड ऑफ ए टेबल इज टर्म्ड एज टेबल। यहाँ पर इंटरचेंजेबली यूज़ हो सकता है, चाहे तो यहाँ पर टेबल लिखा आ सकता है चाहे रिलेशन। अभी टेबल लिखा है तो फील्ड ऑफ ए टेबल को क्या कहते हैं, अभी हमने पढ़ा था कि ये जो हमारे पास टेबल है इसको हम कहते हैं कॉलम भी कहते हैं, एट्रीब्यूट भी कहते हैं और फील्ड भी कहते हैं, ठीक है जी बात। तो जो हमारे पास फील्ड है वो किससे जुड़ा हुआ है, एट्रीब्यूट से, ठीक है जी। तो आंसर क्या आ गया, बी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है हमारे पास ए डोमेन इज एटॉमिक इफ एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन आर कंसिडर्ड टू बी डैश यूनिट डिफरेंट इंडिविजुअल कॉन्स्टेंट और डिविजिबल। डोमेन एटॉमिक का मतलब क्या है,
जैसे हमने एट्रीब्यूट पढ़े थे ना, सिंपल और एटॉमिक। सिंपल सिंपल कह लें इसको, या एटॉमिक कह लें। जैसे नेम हमारे पास होता था, ठीक है ना, नेम। नेम के अंदर क्या था? फर्स्ट नेम, मिडल नेम, और ये फर्स्ट नेम था, मिडल नेम था, और लास्ट नेम था। तो यहाँ पर नेम की एक से ज़्यादा वैल्यूज़ दिखा रहा था ना, लेकिन हमने कहा एटॉमिक या फिर सिंपल। तो एटॉमिक तब होगी जब उसको डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है डिफरेंट, इंडिविजिबल, कॉन्स्टेंट या डिविजिबल। तो आंसर क्या आना चाहिए? इन डिविजिबल, ठीक है जी। अगला लिखा है द टपल ऑफ द रिलेशन कैन बी ऑफ डैश ऑर्डर। जो टेबल के अंदर टपल या फिर रिकॉर्ड, ये मेरे पास है लिखा हुआ, ठीक है, स्टूडेंट आईडी, नेम, क्लास आईडी 1, 2, 3, 4। ऐसा टेबल में ज़रूरी नहीं है अभी ये ऐसे होगा। 2 पहले हो सकता है, 1 हो सकता है, ये 3 हो सकता है, 4। नेम एक्स वाई जेड डब्ल्यू, क्लास 10th, क्लास 10th, क्लास 10th, क्लास 10th। तो ये भी अगर ऐसी वैल्यू आए ना तो ये भी सही है। तो उसने कहा कि जो टपल ये है ना, इन्हीं को हम टपल कहते हैं ना। ये एक टपल हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर 2 आ गया पहले, 1 बाद में आया, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है अभी ये एक सेम ऑर्डर में, कि असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, तो ये किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। तो टपल ऑफ द रिलेशन या टेबल कैन बी ऑफ एनी ऑर्डर, ठीक है जी बात। तो ये रिलेशन लिखा हुआ, यहाँ पे टेबल भी आ सकता है लिखा हुआ। तो ये जो रिलेशन, जो टपल टेबल या रिलेशन के टपल रिकॉर्ड कह लो, ठीक है, या रो कह ले, वो किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं, ऑफ एनी ऑर्डर, ठीक है। शॉर्टेड, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, किसी ऑर्डर में भी हो सकते हैं वो, ठीक है जी बात। तो ये क्वेश्चन थे रिलेशन के ऊपर या टेबल के ऊपर। तो यहाँ से आपको आइडिया मिल जाता है कि MCQ किस टाइप के बन सकते हैं। लेकिन वीडियोस के हर एक पॉइंट को आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है, उसको मिस नहीं करना है। वीडियोस को आपको लगातार बार बार सुनते रहना है, तभी जाकर आप उसको याद रख पाओगे, समझ पाओगे, ठीक है जी बात। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।